नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम बाइनरीज की बात करेंगे, या जिसे हम मेमोरीज कहते हैं उसकी हम बात करेंगे, जो हम PLCs में यूज करते हैं। तो जो बाइनरी सिस्टम्स हैं या जो बाइनरी हमारी मेमोरीज होती हैं, एक्चुअली ये सारी जो मेमोरीज हैं हमारी, ये वर्चुअल मेमोरीज होती हैं। मतलब कि ये एक तरीके की हमारी इमेजिनरी मेमोरीज हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने पीएलसी में किसी भी इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हमारे जो फिजिकल इनपुट और आउटपुट नहीं आने चाहिए, तो वहां पे हम अपना बाइनरीज का या मेमोरी बिट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीएलसी में अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी वर्चुअल मेमोरीज होती हैं, दैट मतलब हुआ कि इनका कोई फिजिकल कनेक्शन, मतलब कि हम इसको वायरिंग के थ्रू अपना पीएलसी पे शो नहीं कर सकते, ना ही हम इसका स्टेटस शो कर सकते हैं पीएलसी पे, और ना ही हम इसको वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके की वर्चुअल या इमेजिनरी मेमोरीज हैं पीएलसी के अंदर। तो जो एलन ब्रैडली पीएलसी है, उसमें अगर मुझे बाइनरी का इस्तेमाल करना है, तो हमें कुछ सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। दैट मीन्स कि एड्रेसिंग हमें किस तरीके से एलन ब्रैडली पीएलसी में करनी है बाइनरीज के लिए, तो उसके लिए हमें एक सिंटेक्स को फॉलो करना होता है, जिसमें हमें पहले तो फाइल नेम, देन कॉलन, वर्ड नंबर, स्लैश बिट नंबर का हमें इस्तेमाल करना होता है। ये हमारा एक सिंटैक्स एड्रेस है कि अगर हमें बाइनरीज का या मेमोरी बिट्स का इस्तेमाल करना है पीएलसी के अंदर, तो हमें एलन ब्रैडली पीएलसी में कुछ इस तरीके से इसकी सिंटैक्स या एड्रेसिंग करनी होगी। तो फाइल नेम जो है एलन ब्रैडली में, वो है B3 कॉलन। वर्ड नंबर जो है हमारा रेंज करता है 0 से लेकर 31 तक, स्लैश बिट नंबर रेंज करता है 0 से लेकर 15 तक। तो इतने हमारे पास बाइनरी की मेमोरीज हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपनी पीएलसीज में एज एन इनपुट और आउटपुट के तौर पे कर सकते हैं। जहां पे भी मुझे फिजिकल इनपुट या फिजिकल आउटपुट यूज नहीं करना है अपने लॉजिक के अंदर, वहां पे हम इस बाइनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो बाइनरीज है एलन ब्रैडली पीएलसीज के अंदर, उसका जो फाइल है वो हमारा B3 रहेगा, और जो इसका सिंटैक्स है वो B3 है, और इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो 0 से लेकर 31 तक बाय डिफॉल्ट है, और हर वर्ड के अंदर हमें बिट्स जो मिल रही हैं वो 0 to 15 है। तो जैसे ये बाइनरी बिट्स हैं, दैट मीन्स कि ये जो हमारा स्टेटस होगा 0 and 1 के फॉर्मेट में, उसी को ये स्टोर करेगा। अगर हमें पूरा एक वैल्यू स्टोर कराना है, तो खाली हमें पूरा वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि अगर मुझे कहीं पे फिजिकल एड्रेसिंग नहीं करनी है, लेट सपोज कि हमारे पास एक इनपुट है i:0.0/
वन। अब इसके थ्रू मुझे आउटपुट ऑपरेट नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि एक मेमोरी बिट हमारी ऑपरेट हो और वो वैल्यू हम कहीं और या उस बिट को कहीं हम और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आउटपुट कॉइल का इस्तेमाल करेंगे और इस पर हम एड्रेसिंग करेंगे B3:0/0, दैट मीन्स बाइनरी वर्ड नंबर जीरो का बिट नंबर जीरो। तो अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपना बाइनरी बिट्स को तो हमारे जो फिजिकल आउटपुट्स होंगे वो हमने यूटिलाइजेशन नहीं किए बल्कि उसकी जगह हमने एक इमेजिनरी बिट का इस्तेमाल कर लिया। अगर अब हमें कोई आउटपुट ऑपरेट करना है तो हम इस मेमोरी बिट का या इस इमेजिनरी पार्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक के अंदर किसी आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए। लेट सपोज फिजिकल आउटपुट है, इस तरीके से हम इन बाइनरी मेमोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में जहां पे भी हमें लगता है कि हमारा फिजिकल आउटपुट नहीं आना है लॉजिक के अंदर वहां पे हम एक डमी आउटपुट या इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डमी इनपुट और आउटपुट को बनाने के लिए हमें उसके ऊपर जो एड्रेसिंग करनी होगी वो रहेगी हमारी बाइनरी सिस्टम, जिसे हम यहाँ पे B3:0/0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो B3 यहाँ पे फाइल नेम है, कॉलन जीरो जो यहाँ पे है वो वर्ड नंबर है, स्लैश जो जीरो है वो है बिट नंबर। तो जो हमारे पास एलन बेडली में बाय डिफॉल्ट एड्रेसिंग है वो रहेगी B3:0/0 to 15। इसी तरीके से हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं यहाँ पे 31 और हर वर्ड में 0 टू 15 बिट्स। आई होप कि आपको बाइनरी सिस्टम एलन बेडली में समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।